आपके सामने ले आएंगे फिर ना पड़ता चप्पल घसाना पड़ता। कोई आयरा कह रहा है तो ना बताते, आप आओ मैं आपको बताता हूँ हर चीज, समझ गए ना। और पहली बात चीज बता दो, पहली बात तो एमएलए साहब यही बुला लो ना, पीएसओ बैठ के सबसे बड़ा डिवीजन मेरा डिवीजन है। आप ये भी ख्याल रखना, मैं भी 50,000 आदमी सेलेक्ट करो तो कारपोरेटर बना, समझना मेरे डिवीजन का हर चीज मेरे नाले से खाता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, याद रखना। अच्छा ठीक है, वीडियो वीडियो लगा रहे ना, उनको जवाब देता हूँ भाई। ओके सर, प्राइवेट है, बाप की जागीर है, किसी की बाप की जागीर नहीं है, जीएचएमसी का वो है, जीएचएमसी का प्रॉपर्टी हो, मेरा नहीं होता, किनका भी नहीं होता, प्रॉपर्टी जीएचएमसी का ही नहीं है, बोला जीएचएमसी का भी नहीं है, बीआर प्रॉपर्टी इंडोमेंट का प्रॉपर्टी है वो। ठीक है भाई, वो भी गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का ना साहब। आपका कुछ भी नहीं, आप पूरी जानकारी निकालने के बाद बात करो साहब, आप लोग हम भी खुश रहते हैं, आप कुछ मालूम नहीं, आप लोग मालूम है। अच्छा ठीक है, अभी साहब एक बात बोले जी सर, पेपर जो भी है हमारा कारपेट साहब भी और सब जो भी रिस्पेक्टिव आदमी है, कमेटी वाले, ये कमेटी वाले भी जो भी ले लेके आते, एक मीटिंग करते, जो सच है उनको देते। Yes, correct. ఎవరు ఉన్నదో వాళ్ళు వినండి వినండి వినండి, అర్థమైంది కదా, వీళ్ళ ఈ కమిటీ ఉన్నది, జనరల్ కమిటీ నేను తీసుకొని వస్తున్నాను, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి కమిటీ ఉన్నది आज कारवान के कारपोरेटर जी मेरे जियागुड़ा डिवीजन के अंदर थोड़े एमआईएम कार्यकर्ता को लेके आए, लेके आने के बाद वहाँ पर आंगनवाड़ी टीचर से वल्गर बात करे, वो हमको हमारे को मालूम पड़ा, एज ए कारपोरेटर मैं जियागुड़ा डिवीजन भोईनी दर्शन को मेरे को मालूम पड़ा, मैं वो प्लेस पे गया जहाँ पर आंगनवाड़ी है, रंगनाथ टेम्पल के बाजू में रंगनाथ वेलफेयर एसोसिएशन, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर थोड़े रउडीज जो टीआरएस के एमआईएम के जो रउडीज है मेरे ऊपर वल्गर भाषा करके, मेरे कैस्टू गालियाँ दे के मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करे, मेरे साथ दो कार्यकर्ता थे वो लोग भी आए, वो लोग हम उससे भी हाथापाई हुआ, हम इमिडिएटली पुलिस वालों को फ़ोन करे, फ़ोन करके जो है सो पुलिस फोर्स आ गया वहाँ पर, और पुलिस स्टेशन को आके हम उन पर कंप्लेंट करे, और जो जो भी वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा, जो वो बस्ती का नहीं होता, रंगनाथ वेलफेयर एसोसिएशन कई सालों से चल रहा, उनके पास पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ हर डॉक्यूमेंट है, और आप कोई भी होना है तो चेक कर सकते हैं, इतने 40-50 साल से वो मेंटेन कर रहे, वो रजिस्टर्ड है, वो लोगों को डिस्टर्ब कर कर दूसरे बस्ती वाले आके डिस्टर्ब कर रहे, मैं गया तो मेरे को भी वल्गर बात करे, मैं आके कंप्लेंट करा, और पुलिस वाले से नम्र निवेदन है कि वो लोग एक्शन लेकर उनको ऊपर एफआईआर बुक कर कर रिमांड करना चाहिए। एमएलए साहब, एमपी साहब, यहाँ पर कारवान कॉन्स्टेंसी पीसफुल चल रहा, यहाँ पर जो भी कम्युनल एक्टिविटीज होने वाले नहीं होना चाहिए, आप यहाँ के एमएलए हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, मेरे भी एमएलए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे डिवीजन में क्या चल रहा बोल के पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, उसका आपको पूरा क्लियरिटी दूंगा, आप मेरे को पूछे नहीं, कोई बात नहीं साहब, आप बड़े हैं एमएलए। हाँ भाई, आप किस किस के ऊपर कंप्लेंट दिए? वहाँ पर जो है दो तीन बच्चे हैं, किशोर और एक उसका भाई है, वो सामी गौड़ वो कुछ नाम है, अभी वो लोगों पे हम कंप्लेंट करें, जो हमारे ऊपर हमला करे उनके ऊपर कंप्लेंट करे, एक्शन लेके इमिडिएटली अरेस्ट करना बोल के डिमांड कर रहे हैं। ना नन्नु वल्गर का माटलाड़ी ना जाति तिटिनटुवंटि वाळ्ळंदर पैन अल्ट्रासिटी केस पेट्टालनि मेमु अंदर पेर्लु राशनं, अंदर दानिकि कापी मीकु कूडा इस्तामु, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఇమీడియట్లీ రిమాండ్